हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन दागड़, स्वागत करता हूँ आपका फ्लाई हाई एकेडमी भोपाल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि जो आपका एमपी टेट का जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आपकी जो होने वाली है, 5 मार्च से प्रारंभ होने वाली, ऐसा टेंटेटिव है, उसका जो सिलेबस है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसकी किस तरीके से तैयारी करके उसको पास कर सकते हैं और क्या उसका पैटर्न रहेगा, आइए समझते हैं। देखिएगा कि जो इसका जो परीक्षा का जो स्कीम एग्ज़ाम है वो सिंपल है कि आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है कि पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का ही प्रश्न पत्र होगा। आपको देखो 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और अवधि जो है वो आपकी 2.5 घंटे है। मतलब ये सीधी सी बात है कि जैसे आपको 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे में सॉल्व करना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। इसका मतलब है कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर के ही होंगे और आपका जो नेगेटिव आंसर नहीं, अगर आप गलत आंसर दे देते तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में होंगे और परीक्षा का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से दिया गया है। अभी ये हमारे सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसमें हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, ऑब्वियस बात है 5 हैं तो सभी से 30-30 नंबर का ही सेटअप आएगा, तभी तो हमारे 5 तो ये 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इससे 30 MCQ आएंगे 30 मार्क्स के। भाषा वन क्या होती है, हमारे ऊपर जब हम फॉर्म भर रहे होंगे, आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने लैंग्वेज वन सेलेक्ट किया होगी, आपने लैंग्वेज आपने ली होगी, हिंदी ले ली होगी या फिर आपने इंग्लिश ले ली होगी या फिर संस्कृत ली होगी या फिर आपने उर्दू ले ली होगी। लैंग्वेज टू भी ऐसा ही, अगर आपने लैंग्वेज वन हिंदी लिया है तो आपने लैंग्वेज टू आपने इंग्लिश लिया होगा या संस्कृत लिया होगा या उर्दू लिया होगा, जो भी आपने लिया होगा, तो उसके भी 30-30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। गणित में 30 नंबर के 30 मार्क्स और पर्यावरण में EBS जो आपका है, एनवायरमेंटल स्टडी, इसके भी 30 मार्क्स आएंगे। चलिए ये तो बात हो गई कि किसमें से कितने नंबर और कितना ही क्वेश्चन आएगा। अब हमें ये देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उनका जो सिस्टम कैसा रहेगा और सिलेबस क्या है। अब देखिएगा जो क्वेश्चन है उनका टाइप ये रहेगा कि जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन आएंगे वो 6 से 11 वर्ष की जो आयु, मतलब कि जो कक्षा 6, मतलब जो कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के बच्चों के हिसाब से, जो उनके सीखने के सिखाने के उसके ऊपर से आएगा। जिन लोगों ने भी अगर अभी CTET दिया होगा, CTET पेपर 1 जो दिया होगा, उनको पता कि जो वही सेम सिलेबस है इसका भी पेपर 1 जैसा ही जी। ऑब्वियसली बात है कि ये आपका वर्ग 3 का पेपर है, MPTET वर्ग 3 का, जो प्राथमिक नाम भी है इसका, जो प्राइमरी बच्चों को सिखाना, जिसमें आपको कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको उस हिसाब से उसी आयु वर्ग के बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। भाषा 1 मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको भाषा 1 जो भी आपने चुना उसमें आपकी चेक करेंगे आपका नॉलेज, आपकी प्रेफरेंसी, जैसे आपने हिंदी लिया या इंग्लिश लिया जो भी है। और इसके बाद भाषा 2 जो नॉर्मल भाषा जो होती है, जैसे हमारे पास हिंदी अगर है तो सेकंड भाषा हमारे पास इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू रहने वाली है। गणित और पर्यावरण अध्ययन में आपको बता दूं कि जो गणित अध्ययन है वो आपका गणित अध्ययन जो अपनी एमपी बोर्ड की बुक, अब एमपी बोर्ड की बुक क्या है वो, तब NCERT की बुक है, NCERT की बुक आपको जो गणित की कक्षा 1 से 5 तक की उससे रहेगा। और मैथ्स जो आएगा आपका, मैथ्स भी 7th-8th तक की मैथ्स आएगी, बहुत खास मैथ्स नहीं आती है, बहुत सिंपल मैथ रहेगी, कक्षा 1 से 8 तक की मैथ्स रहेगी। मेन मुद्दा है यहाँ पर पेडागोजी, जी हाँ, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका पेडागोजी का ही क्यों ना टॉपिक हो, पेडागोजी ही मेन रहेगी। चलिए हम देखते हैं एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग समझते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में क्या क्या आने वाला है। देखिए कि जो बाल विकास है, मतलब जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो 15 मार्क्स का आएगा, मतलब 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्या क्या है, जिसमें आपको यूनिट वाइज दिया है आवासा करके। बाल विकास से आपको कितने क्वेश्चन आने हैं, बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम के संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब नॉर्मल जो भी आपका जो एक बाल विकास होता है, जो CTET का पेपर 1 का हैगा, वही का वही पूरा जो आपका एक बाल विकास जो होता है कॉमन सिलेबस है CTET का और इसका MPTET का। और इसके बाद में ये पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट पे से 15 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनने की जो नियम है वो आप देख सकते हैं कि जीन पियाजे है, आपका पॉलबर कोलर और आपका थॉर्नडाइक, ये आपके साइंटिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने इनकी जो रचना है, इन्होंने जो नियम दिए हैं, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सामाजिक निर्माण और जेंडर लिंगभेद की प्रथाओं, ये भी अपन यहाँ पर देख सकते हैं, और भाषा और विचार भी। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपकी हिंदी या इंग्लिश आपने ली, मतलब जो आपने भाषा 1 और भाषा 2 ली है ना, उसकी जो पेडागोजी है वो इसमें भी आ सकती है आपकी बाल विकास में, और इसकी पेडागोजी थोड़ी उसमें आ सकती है अगर भाषा से रिलेटेड जो भी है।
ये होगा यूनिट वन, तो ये आपके लिए बहुत आईएमपी, अगर आपने इसको कर लिया है तो आपका पेडागोजी जो बाल चाइल्ड डेवलपमेंट वाला ये निकल जाएगा। अब इसके बाद में जो सेकंड जो है समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा जो होती है इंक्लूसिव लर्निंग एजुकेशन है, इसके लिए आप इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये इसमें आपको पूरा देखना है कि जो बच्चे होते हैं स्पेशल चाइल्ड होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, उनके साथ कैसे क्या करना है, आपको कैसे क्या बिहेव करना है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अब इसके बाद में अधिगम और शिक्षा शास्त्र, देखिए जो 10 नंबर का है ना ये अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग होता है, सीखना होता है, शिक्षा शास्त्र, तो इसमें बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे सफल हैं, कैसे असफल होंगे, शिक्षण की अधिगम कैसे, पढ़ाने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, बच्चों पर क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करना चाहिए, अधिगम की सामाजिक प्रक्रिया क्या है, सामाजिक प्रक्रिया क्या होगी, समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान, छोटा बच्चा, मतलब जो इनके नियम है ना अपने पियाजे पॉलवर इवोल्वर, ये सब इसमें आएगा अधिगम शिक्षा शास्त्र में। मतलब अगर आपने यूनिट वन अच्छे से कर ली है तो वो यूनिट थ्री जो आपके 10 नंबर का है ये आपको इसमें हेल्प करेगा। मतलब घुमा फिरा के ये है कि अगर आप बाल विकास अच्छे से कर लेंगे तो अधिगम और शिक्षा शास्त्र भी आपका मोस्टली अच्छे से ही हो जाएगा, लेकिन पढ़ना तो आपको अलग से पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में अब हम आते हैं हिंदी भाषा पर। यहाँ पे 30 नंबर में क्या आएगा, पहले पार्ट में 15 नंबर में आपको दो वो रहेंगे गद्यांश, एक रहेगा गद्यांश और एक रहेगा पद्यांश, एक गद्यांश में से क्वेश्चन आएंगे कुछ और कुछ पद्यांश में से क्वेश्चन, मतलब आप 8-7 मान लो, 8 जो आएंगे वो गद्यांश हो सकते हैं और 7 जो होंगे वो पद्यांश। इसमें से ज़्यादातर देखिए व्याकरण तो कोई खास आती नहीं है, आप अगर व्याकरण ना भी पढ़ेंगे ना तो व्याकरण आपके लिए बहुत दुखदायी नहीं रहेगी, एक या दो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इसमें से मान लो, एक क्वेश्चन उसमें से मान लो, ज़्यादातर जो व्याकरण से रिलेटेड वो ये आते हैं पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द, ये तो बहुत ज्यादा आपके लिए वो टिगर्ड नहीं है। अब इसके बाद में क्या होता है कि इसके बाद ये गद्य और पद्य हो गए, तो ये आपको पढ़ना रहेगा, ये बहुत आसान है, आप आसान जो भाषा में आप परिपक्व हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है तो आप हिंदी ही फर्स्ट, आपका हिंदी मीडियम से रहा और आपने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई करी तो आप भाषा वन हिंदी लो, और अगर आपने, अगर आपको इंग्लिश मीडियम से, भले ही आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी लेकिन आपकी इंग्लिश भाषा में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है तो फिर आप हिंदी लें। देखिए मैं आपका, आपको मोल्ड नहीं कर रहा हूँ, हालांकि अब तो फॉर्म भी भर चुके हैं और सब कुछ हो चुका है, लेकिन आपने अब जिस भी तरीके से आपने लिया होगा भाषा, लेकिन मेरा ये सुझाव रहता है क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि भाषा वन जो आपको रहेगी वो थोड़ी सी कंपेरेटिवली हिंदी सरल पड़ती है इंग्लिश के। अब इसके बाद में सेकंड पार्ट रहता है पूरा पेडागोजी का, अब देखेंगे भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, शिक्षण का मौखिक लिखित, कैसे बच्चा व्याकरण सीखने की भूमिका, क्या उसकी चुनौतियां होती हैं, कैसे उसकी कठिनाई, क्या उसकी त्रुटि है, सुनना बोलना पढ़ना लिखने का मूल्यांकन, अधिगम सामग्री मतलब लर्निंग जो है TLM है, पाठ पुस्तक है, द्रवशक सामग्री, ये सब, और पुनः परीक्षण। अब ये जो अपन ने पढ़ा है ना ये एक्चुअल में ये आपका जो बाल विकास है, बाल विकास की जो थर्ड है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, बहुत सारे क्वेश्चन इसके क्वेश्चन इसमें आएंगे और इसके क्वेश्चन उसमें आएंगे, तो इसलिए आपको क्या है कि वो पेडागोजी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बहुत अच्छे से कर लेना है, ताकि आपको हिंदी का जो है ये भी। अब इसमें क्या, भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, ये भाषा लर्निंग और एक्विजिशन जो है आपका, भाषा लर्निंग और भाषा का एक्विजिशन, ये बिल्कुल आपका उसी में ही अधिगम, मतलब ये अधिगम मतलब लर्निंग होता है तो ये उसमें आता है, तो आपको बिल्कुल ये सीखना। और आपको एक अच्छी बात ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, जैसे अब इसके बाद में इंग्लिश भाषा पे आते हैं तो इसमें भी 30 नंबर है, सेम टू सेम हिंदी भाषा का सेटअप रहेगा कि 2 unseen passages आएंगे जिसमें से आपको वही 15 नंबर का आएगा, और उसमें से भी ग्रामर करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल पैसेज को थोड़ा सा पढ़ के नरेट करके देखिए आप उनके कैसे आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर पेडागोजी एंड डेवलपमेंट, देखो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, देखो भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा शिक्षण के सिद्धांत यहाँ लिखा है प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज मतलब जो आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी में वो है, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका भाषा के कार्य बच्चे का ये, और इसका लैंग्वेज की लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, मतलब ये है कि जो हिंदी में जो कुछ भी हिंदी में आपका सिलेबस है भाषाई विकास एवं निर्धारण शिक्षा शास्त्र का वही इंग्लिश का सिलेबस है, बस भाषा आपकी चेंज है। देखिए एक बात बताऊँ, साइकोलॉजी जो होती है वो भाषा कोई भी हो, साइकोलॉजी चेंज थोड़ी ना होगी, अगर आपने हिंदी, अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना, आप हिंदी की जो आपका पेडागोजी है 15 बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि वही पेडागोजी आपकी इंग्लिश की है, वही आपकी हिंदी की है, वही आपकी संस्कृत की है, वही आपकी उर्दू की है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने सिंपल आपने क्या नरेट किया कि अगर आपने बाल विकास
मतलब आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बहुत अच्छे से कर ली है, तो उसमें से कुछ हद तक आपकी जो हिंदी की पेडागोजी भी कंप्लीट होती है। और चूंकि जो हिंदी की पेडागोजी है वही की वही आपकी इंग्लिश की पेडागोजी, मतलब जो भाषा वन की पेडागोजी होगी वही भाषा टू की पेडागोजी, भले ही वो आपकी भाषा कोई भी हो, चाहे वो आपकी भाषा हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, बट आप देखेंगे कि वो होती पेडागोजी तो सेम ही है। अच्छा, आप संस्कृत में देख लो, संस्कृत में यहाँ पे 30 नंबर का पैटर्न है, 15 नंबर का वही आपका गद्यांश पद्यांश और 15 नंबर के आपके वही पैटर्न है। देखो, भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, भाषा के सिद्धांत सुनना, मतलब सेम टू सेम हिंदी इंग्लिश संस्कृत हो गया ना सेम टू सेम, वही आपका उर्दू का सेटअप है। तो अब आप समझ में आ गई होगी बात आपको कि अगर आपको एमपीटेट निकालना है बहुत अच्छे से, तो आपको बाल विकास, आपको डेवलपमेंट एंड मतलब आपको पेडागोजी पे ही काम करना रहेगा और कुछ भी आपको नहीं करना। अगर आपको पेडागोजी बहुत अच्छे से आ गई, आपको जीन पियाजे के सिद्धांत, पालवल, ये कोलर जो मनोवैज्ञानिक, इनके सिद्धांत आपको अच्छे से आ गए और ये सब आपने बहुत अच्छे से कर लिया अगर आपने पेडागोजी, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये क्वालिफाइड आप नहीं कर सकते। चलिए, भाषा की बात हो गई, अब आते हैं मैथमेटिक्स पे, गणित पे आते हैं। इसमें भी आपके 30 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 15 नंबर के आपके जो क्वेश्चन आते हैं, जिनमें दो टेंथ क्लास तक की मैथ्स कह सकते हैं, जैसे आपका स्थानीय मान हो गया, पढ़ना लिखना स्थानीय मान हो गए, जोड़ना घटाना, गुणा भाग भिन्न और इस तरह से लंबाई चौड़ाई वाले क्वेश्चन, जो मतलब बेसिकली मैं कहूँगा कि 8th क्लास तक की मैथ्स आएगी, 10th की नहीं आएगी, 8th क्लास तक की मैथ्स आपको आती है, आप आसानी से ये कर दोगे, इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप 8th क्लास तक, और मुझे लगता है कि आप लोगों को 8th क्लास की मैथ बहुत अच्छे से आती ही होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में आते हैं पेडागोजी पे। पेडागोजी देखो, यहाँ पर थोड़ी मैथ्स की थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि लैंग्वेज तो एक जैसी होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, तो वो लैंग्वेज की जो पेडागोजी होगी वो तो सेम रहेगी, बट यहाँ पर गलत सिखाना एक अलग सेटअप हो जाएगा, तो गणित में थोड़ा सा अलग सेटअप, बट ये भी उतना ज्यादा टफ नहीं है और ये बहुत सिंपल होती है। गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करना, मतलब हमारा ये मेन मुद्दा होता है कि बच्चे को गणित सिखाने का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि उसमें हम चिंतन, उसका जो चिंतन, उसकी थिंकिंग है और उसकी जो तर्क शक्ति है, लॉजिकल चीजें जो है, उसको डेवलप करना होता है। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, हमें गणित का जो क्या स्थान है उसके, उसमें गणित, गणित की भाषा, एक्चुअल में सबसे बड़ी बात तो होती है लैंग्वेज की, तो गणित की क्या लैंग्वेज होती है वो सब सिखाना, शुरुआत करना बच्चों की, तो ये बहुत सिंपल। आप जब पेपर देंगे ना, तो आपको लगेगा आप बहुत सिंपल है, मतलब आप जब आप अपने आप को टीचर बन के सोचेंगे और फिर आप इसमें करेंगे अपना, तो बहुत आसान लगेगा आपको ये करना। मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, कैसे हम उनको मतलब एविलेट कर सकते हैं, कैसे किसी चीज़ को डायगोनिस्ट कर सकते हैं, निदानात्मक ये है, उनको किस तरीके से समझाएं, कैसे डेवलप करें उनके अंदर। अब इसके बाद आता है ईबीएस। ईबीएस आपका देखो 20 नंबर में आपका ये जो है ना, हमारा परिवार, खेल, कार्य, आवास, भोजन। मैं आपको बता दूं कि आप जो आपकी एनसीईआरटी की ईबीएस की बुक है, एनसीईआरटी की ईबीएस की जो बुक्स हैं, आप थर्ड की बुक ले लो, आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये दोनों तीनों ईबीएस की बुक आप कंप्लीट कर लो, ये आपका पूरा अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। देखो, आपको बस इसमें हम यही सिखाते हैं कि भाई पर्यावरण में कैसे क्या खेल कहानियाँ होती हैं, कौन कहाँ रहता है, पक्षी कहाँ रहते हैं, पशु कहाँ रहते हैं, पक्षी अलग अलग पशु पक्षी मनुष्य के आवास जैसे होते हैं ना, कि जैसे अलग अलग पशु होते हैं, जैसे कि घोड़ा का अस्तमल कहलाता है, गाय का गौशाला कहलाती है, पक्षी भी अपने अलग अलग प्रकार के घोंसले बनाते हैं, तो इस तरह के सभी ये सब आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास की ईबीएस में आपको पूरा दिया हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल रीड करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आप पूरा का पूरा इसमें से 20 नंबर आपके पक्के हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। खेल क्या होते हैं, योगासन, मतलब नॉर्मल जो हमारी लाइफ की जो जीवन का आसार है, वही खाद्य सिस्टम क्या है, भोज्य पदार्थों का क्या संयोजन है, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ये पूरा का पूरा आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की ईबीएस में पर्यावरण अध्ययन में मिल जाएगा। उससे पढ़ के बस और कुछ नहीं करना है। अब इसका पेडागोजी आती है, तो पेडागोजी कोई पर्यावरण की जो ईबीएस की पेडागोजी है वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से है कि जब आप पर्यावरण पढ़ाना ही क्यों, पर्यावरण क्यों पढ़ाना चाहिए बच्चों को, कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे उनके अंदर उस चीज़ों को डेवलप करना चाहिए, ये सब चीज़ें जब आप अगर चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छे से कर लेते हैं, पेडागोजी उसकी बाल विकास की पेडागोजी अच्छे से कर लेते हैं, और लैंग्वेज की पेडागोजी आप अच्छे से कर लेते हैं, और गणित की पेडागोजी कर लेते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ईबीएस की पेडागोजी भी समझ में आ जाएगी। चलिए, तो अब इसी के साथ आपका ये तो सेटअप हो गया कि भैया किस क्या सिलेबस है और क्या क्या है। अब लेकिन ये है कि भैया पढ़े कैसे। देखो, मैं आपको बता दूं कि आप पढ़ने के लिए
आप YouTube का सहारा ले सकते हैं, आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है अगर इसके आपके पास कोचिंग अवेलेबल नहीं है। क्या है कि अभी लॉकडाउन का या कोई भी इश्यूज हो रहे हैं, कोरोना का सेटअप है तो कोचिंग्स भी नहीं लग पा रही प्रॉपरली, लेकिन YouTube पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं तो आप YouTube का सहारा लो। और मैं भी YouTube पे क्लासेस लेने वाला हूं, तो आप YouTube पर मेरी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं शुरू से चालू करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप इसमें। हाँ, एक और चीज़ है, मार्क्स ही वही कितने में आप पास, देखो आपके 150 मार्क्स हैं तो मैं आपका आपका टारगेट होना चाहिए आपका 130 प्लस का। मैं आपको बोलिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, 130 प्लस मार्क्स आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 120 मार्क्स को टारगेट दो, आप और 130 को प्लस करके चलोगे, 130 प्लस कह रहा हूँ मैं, अगर आप इसमें 100 प्लस भी लाते हो, 100 है, 110 प्लस है, 120 प्लस है, तो आपके फुल चांसेस हैं कि आप शिक्षक बन जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर आपके 120 प्लस आना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप बिल्कुल इस जो मैंने आपको समझाया है कि इसको आप पढ़ाई अच्छे से करें तो YouTube से आप पढ़ाई करें। आप बुक्स की बात करता हूँ मैं, अगर बुक्स की बात करें तो आप बुक्स में कि आप आर गुप्ता का पेडागोजी ले लो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप तो लास्ट ईयर के जितने भी मतलब चाहे सी टेट एग्जाम का, आप जैसा नहीं है कि एम पी टेट एग्जाम है क्या, आप तो एम पी टेट एग्जाम के, एम पी टेट और ये सी टेट है, सी टेट इन दोनों के ही आप लास्ट ईयर के जितने भी साल इन्होंने कराए एग्जाम, इन सभी के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे तो इससे ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। बस प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, मॉक टेस्ट करो, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर करो। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर आप करेंगे लास्ट 10 ईयर के आप कर लो सी टेट के, क्योंकि एम पी टेट के तो मिलेंगे नहीं लास्ट 10 ईयर के, तो सी टेट के भी आप अगर आप लास्ट 10 ईयर के एग्जाम, लास्ट 10 ईयर नहीं आप लास्ट 5 ईयर ही कर लो यार, वो ही बहुत हो जाएंगे। लास्ट 5 ईयर के भी अगर आज से करना चालू करते हैं, क्योंकि देखो तो जनवरी फरवरी दो महीने हैं आपके पास, और मिनिमम दो महीने तो हैं ही हैं, तो आप इनमें दो महीने में आप बहुत कुछ कर, अगर आपने अगर आपको अभी पेडागोजी का पी भी नहीं आता है तो भी आप दो महीने में टॉप कर सकते हैं पढ़ाई करके, अगर आपने आपका उद्देश्य मान लिया कि आपको शिक्षक बनना ही बनना है तो। सो गाइज, होप यू आपको समझ में आया होगा इसका सिलेबस एम पी टेट का। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज़ कॉमेंट करें। और अगर आप और कौन से सब्जेक्ट की आप क्लास चाहते हैं, मैं बेसिकली चालू करने वाला हूँ बाल विकास शिक्षा सा, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लासेस चालू करूँगा। और मैं आपको वैसा नहीं, मैं पूरे पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, प्रैक्टिस टेस्ट भी कराऊंगा, इनकी क्लासेस भी प्रॉपर लूँगा, प्रॉपर नोट्स भी बताऊँगा, प्रॉपर ट्रिक्स, मतलब हर चीज़ मैं यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिकल काम करूँगा इसमें। सो गाइज, मैं आगे तो इसके लिए मुझे आप कॉमेंट्स में रिस्पॉन्स दें येस और नो का, और मुझे बताएं कि कौन कौन रेडी है पढ़ने के लिए, लाइव क्लासेस लूँ कि डायरेक्ट वीडियो डाल दूँ, ये भी आप मुझे, अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ लाइव क्लास लिख दीजिएगा कॉमेंट में। अगर आप चाहते हैं कि भैया आप सिर्फ वीडियोस डाल दो तो आप वीडियोस लिख दीजिएगा। अगर आप मेरे साथ मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट लिख सकते हैं, प्रैक्टिस जो भी आप चाहते हैं आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। और अपने अगर आपने एंड तक इतना ये वीडियो देखा है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने मेरे साथ जुड़कर ये सब चीज़ें की तो आप 100% एमपी टेट निकाल लेंगे और आप बिल्कुल टीचर बनेंगे और बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।